पाकिस्तान के फिदायीन हमलावर की मौत, पाकिस्तान को सौंपा गया फिदायीन हमलावर का शव, एलओसी पार करने के दौरान पकड़ा गया था तवारक हुसैन। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशहरा सेक्टर से पकड़े गए फिदायीन हमलावर तवारक हुसैन की शनिवार को मौत हो गई, जिसके बाद आज उसका शव पाकिस्तान को सौंप दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मनमीत कौर ने बताया कि आज सुबह करीब 11:06 में तवारक हुसैन के शव को पाकिस्तान के अधिकारियों को सौंपा गया। बता दें कि 21 अगस्त को पीओके के फिदायीन आत्मघाती हमलावर तवारक हुसैन को एलओसी पर घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। इस दौरान उसके पैर और कंधे में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे राजौरी के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा था। पाक फिदायीन हमलावर की जान बचाने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने खून दिया था, जिसके बाद गोली लगने से तो उसकी जान बच गई, लेकिन हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। बता दें कि पकड़े जाने के बाद पाकिस्तानी फिदायीन हमलावर तवारक हुसैन ने पाकिस्तान को लेकर कई खुलासे किए थे। उसने बताया था कि पाकिस्तान सेना ने उसे जम्मू कश्मीर में फिदायीन आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए भेजा था। तबारक हुसैन नाम के इस आतंकी ने कबूल किया था कि उसे पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी ने जवानों पर हमला करने के लिए भेजा था और इसके लिए उसे 30,000 रुपये का लालच दिया गया था। उसने ये भी बताया था कि वो अकेला नहीं आया था, बल्कि उसके साथ 4-5 लोग थे और वे बड़े हमले की साजिश कर रहे थे, जिसकी तैयारी भी कर ली गई थी। 32 साल का तवारक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कोटली के सबजकोट गांव का रहने वाला था।